नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 24,000 प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसा है, क्योंकि ये जो स्कूलें हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसा है। इस बीच एसएस सिद्धार्थ के निर्देश पर प्राइमरी डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अब इन स्कूलों को या तो फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा या बंद करना होगा। शिक्षा विभाग के नए आदेश के मुताबिक सभी प्राइवेट स्कूलों को राइट टू एजुकेशन में आना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन में आने वाले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 1,00,000 का जुर्माना देना होगा। मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूल को 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। स्कूल के आधारभूत संरचना के सवाल पर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्कूल एक रूम का हो या 100 कमरे का स्कूल ये बाद में देखा जाएगा। मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के फायदे में स्कूल रहेंगे, सरकार अनुदान देगी, बच्चों का एडमिशन दिलाएगी। राइट टू एजुकेशन एक लागू होने के बाद पहले ऑफलाइन आवेदन किया जाता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को एडमिशन की जानकारी ऑनलाइन देने से अनियमितता दूर होगी। उन्होंने बताया कि 2019 के बाद ऑनलाइन पेमेंट किया गया, अनियमितता खत्म हो गई, ऐसे में एक किस्त दी गई। 2019 से अब तक पेमेंट किया गया है, कुछ राशि शेष है, अब वो ट्रेजरी पर पड़ गई है। ज्ञानदीप पोर्टल पर एडमिशन हो रहा है। स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक और विंडो शुरू होगा, किसी स्कूल का पेमेंट बचा है तो वो आवेदन दे। 27,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन के लिए आवेदन आया है। पिछली बार 22,000 स्टूडेंट्स का नामांकन आया था। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों में 4,600 स्टूडेंट्स का नामांकन हो चुका है। एक बच्चे और 11,000 हर वर्ष देते हैं। प्राइवेट स्कूल में आधार सीडिंग की जानकारी देते हुए मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि सरकारी स्कूल में 1.84, ऐसे में आपको बताते चले कि इसमें कुल 67% का आधार ले लिया गया है। वहीं प्राइवेट स्कूल में बच्चों का आधार सीडिंग काफ़ी कम है। प्राइवेट स्कूल का 13,000 स्कूल में 33,00,000 बच्चे हैं, इसमें 17,000 आधार सीडिंग कराए गए हैं या 0.5% से कम है। तो आपको बताते चले कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने करीब तमाम जो प्राइवेट स्कूल जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है उस पर उन्होंने नकेल कसा है कि या तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, नहीं तो स्कूल बंद करना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।